मुमरा कौसम में पिछले 7 सालों से नीट जेई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का आईआईटियंस लर्न्स। आईआईटियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिप ने 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। आईआईटियंस लर्न्स मुमरा की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटियंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक आईआईटियंस के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेई एग्जाम में सफलता पाने के लिए आईआईटियंस लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले थाने जिला मंच अध्यक्ष अविनाश जाधव थाने जिलाधिकारी को मुमरा बाईपास के सटे हुए पहाड़ पर जो दरगाह हैं, जो कुछ मस्जिदें हैं, कुछ चिल्ला है, इनको लेकर के एक ज्ञापन देते हैं और दूसरे दिन जो है माहिम की ही तर्ज पर प्रशासन हरकत में आ जाता है। मुमरा के सर्कल अधिकारी, तलाठी, जिलाधिकारी की अन्य टीमों के साथ सीधा पहाड़ पर पहुंचते हैं। पहाड़ के पहले दहाने पर जो रईस बाबा का पहाड़ बोल करके जो रईस बाबा की दरगाह है, उनसे पहले वहां पर जंगी शाह सरकार है, अब्दुल रहमान शाह बाबा है, फिर रईस शाह बाबा है और उसके बाद जो है उनकी खिदमत में रहे ऐसे मुमरा के कुछ बुजुर्गों की भी वहां पर मजारे हैं। तो ये तमाम मामला जो है जैसे पता चला तो रईस बाबा ट्रस्ट को वहां पर लगभग 1974 से संभालने वाले मरहूम दाऊद खान और उनके बेटे हैं हमारे साथ में कय्यूम खान, वली खान, ये सभी जो है अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, वहां चर्चा की गई, उसका तमाम वीडियो और फोटोज भी है। लेकिन प्रशासन को भी किसी के भी ज्ञापन पर कितना उसका और किस तरह से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहां बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीपीएल। अगर ये वक्फ की संरक्षित प्रॉपर्टी है और अगर इसमें वक्फ में रजिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश कालीन इतिहास है, जिलाधिकारी में इसका इतिहास है, सारी चीजें मौजूद है और आप ही के विभाग से संबंधित है, तो फिर जांच का और धार्मिक स्थल पर जाकर के तनाव पैदा करने का ये मामला क्यों, सबसे अहम सवाल है इसमें। क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय के ही पास जो है वन विभाग से जुड़ा हुआ और खुद का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। बहरहाल सबसे पहले हम वली भाई से बात करेंगे, हमारे साथ राजन कीने हैं, हमारे शहर के बेटे, शहर के वरिष्ठ नगर सेवक रह चुके हैं, एक बड़े नेता है हमारे शहर के, काफी कुछ इतिहास उन्होंने अभी इस चर्चा के दौरान मुमरा और कौसा शहर का यहाँ पर रखा है, उस पर हम उनसे बात करेंगे वली भाई से बात करने के बाद। वली भाई, क्या मामला हुआ था जुमा नमाज बाद जो है आप लोग तमाम रईस बाबा पहाड़ पर पहुंचे, क्या मामला हुआ था? ये भी हम लोग मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करके निकले हैं तो हमें पता चला कि कुछ अधिकारी दरगाह रईसा रहमतुल्लाह, जंगी शाह रहमतुल्लाह बाबा ट्रस्ट की दरगाह के तहत ये लोग कार्रवाई के लिए आए हुए, तो काफी लोग जमा होकर उधर जाने के लिए निकले, तो हमने पूछा कि क्या किस लिए आप जा रहे, तो बताया गया कि दरगाह शहीद करने के लिए जिलाधिकारी की तरफ से उनके लोग आके दरगाह शहीद करने को आ रहे, तो हमने बड़ा गलत इन्फॉर्मेशन है, हम लोग जाके छानबीन करते हैं, आप लोग मत जाओ। बहरहाल काफ़ी लोग फिर भी जमा हुए, हमने मौत को सबको भेज दिया। अभी जो सर्कल ऑफिसर है ये उधर आए हुए थे, इनसे हमने पूछा कि भाई सर आप आए हो, आपको जिलाधिकारी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या लेटर दिए, किस चीज़ की चौकसी के बारे में कहा, क्या आदेश निर्देश है, कम से कम ट्रस्ट है आप हमको इन्फॉर्म करें, तो बोले हमारे पास नंबर है सर, वोट लगा हुआ है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बाकायदा ट्रस्टियोज के नंबर है उसमें सब, आप हमसे कम से कम रब्ता तो कर लेते, अभी जो माहौल नीचे खराब हो चुका है, अगर कभी ये माहौल अगर और कोई शक्ल ले लेता तो इसका जवाबदार कौन होगा? मंडल अधिकारी। हाँ बराबर है, आप क्या चौकसी के लिए, क्या नोटिस आपके पास, लेटर है बताइए, आप इधर आए, आप इधर आए ना सर, अभी क्या पब्लिक का वातावरण खराब हुआ, हमने सबको नीचे भेजा, वातावरण नीचे खराब हो चुका है, तो ये अगर कुछ अगर ये अगर गलत मोड़ ले लेता है तो ये रास्ता हमारा बुढ़ापा आ गया, हम इधर पैदा हो गए, आना जाना सर, आपका मानना, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपने इधर आए ना, आपने हमको कोई नोटिस दिया क्या एज ए ट्रस्टी, हमारी अभी किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बोलने पर आप डायरेक्टली आकर अगर मुमरा जैसे इलाके में आके ऐसा जुमा के दिन रमजान का पहला दिन ये सब करोगे तो माहौल कैसा खराब ही होगा ना सर, पर अभी उन्होंने हमको आश्वासन दिया आओ ऑफिस पे आप, अच्छा, हम आपके जो आदेश है हम आपको पूरी लेटर बताते हैं, तो हमने बोला ठीक है साथ में हमसे क्या चौकसी जो करना है हम आपके साथ कोऑपरेट करने तैयार है, उन्होंने ये कह के हमें नीचे बुलाया और वो यहाँ से
यहाँ आई नहीं, आई नहीं, पहाड़ से जो उतरे हैं तो यहाँ लौटे ही नहीं, अभी तक लौटे नहीं, और कोई आदेश उन्होंने बताया कोई भी आदेश? ठीक है, तो इसको हम क्या समझे? और ये लोग उसी वजह से सब जमा है, फिर राजन भाई भी देखे तो ये भी आ गए हमारी मदद को भाई, अभी यही बताएंगे इतिहास हमारी दरगाह का, मस्जिद का, मंदिर का, उनके गांव के, मुमरा का इतिहास, मुमरा का बेटा बताएगा। राजन भाई क्या कहना चाहेंगे, जो विवाद अभी कल फिर एक बार, पिछली बार लाउड स्पीकर को लेकर का था, आप भी खुल करके बोले थे मुमरा कौसा की तरफ से, यहाँ से जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको लेकर के आपने बात उठाई थी, अभी जो है फिर एक बार बाईपास पहाड़ के दरगाहों को निशाने पर लिया गया है मनसे के जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव द्वारा राज ठाकरे के माहिम प्रकरण के बाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आज सभी मुस्लिम भाइयों को मैं रमजान का पहला रोजा है सभी को रमजान मुबारक कहते हुए, कल जो अविनाश जाधव ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी जब उन्होंने ज्ञापन दिया था कि अजान बंद करेंगे, ये करेंगे, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये कोई ऐसा एक पार्टी का कोई फतवा नहीं है कि तुम ये करेंगे और बंद करेंगे, ये तो हमारे सदियों से देश की आई हुई परंपराएं हैं, जैसे कि कुछ ऐसा है कि जब अजान होती है तो हम उठते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो परंपराएं हैं ये परंपराओं का देश है, और इसको अगर तुम सोचेंगे अभी कहाँ है कि तुम दरगाह को ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले तो मुसलमान भाई पहले आने से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या बात है, तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे हमारे अजमेलम बाबा है तो वहाँ पर हमारे कोली समाज का जो तलोजा के जो हमारे कोली समाज के कुछ लोग हैं उनका वहाँ पर पहले चादर चढ़ाया जाता है, तो सम्मान वो हमारे इस समाज को मिलता है, वैसे ही हमारे फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह है वो तो हमारे जन्म से पहले ही वहाँ पर दरगाह है, सुल्तान ए मुमरा। हाँ, सुल्तान ए मुमरा, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पहले हम लोग मुमरा यहाँ से बैलगाड़ी में वहाँ पर जब बहुत बड़ा उरुस रहता था, बहुत बड़ा यात्रा रहता था, तो हम लोग बैलगाड़ी से वहाँ पर जाते थे, तो यहाँ पर अभी पहलवान शाह बाबा है, फिर हमारे रईस बाबा दरगाह है, ये सब जो दरगाह है ना ये सब हमारे पुरानी मशीन की दरगाह है, फकीर शाह बाबा दरगाह है, ये सब हमारे पुरानी दरगाह है, मुझे जहां तक पता है फकीर शाह पर आप रेगुलर जाते हैं, और ये हमारे आस्थाओं का प्रश्न है, ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है, ये अगर किसी को क्या करने का है वो अपने अपने इलाके में करे, ये मुमरा में कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, और मुमरा में मैं सभी हमारे भाइयों को ये करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ वक्त आया तो पहले हमारे सब हिंदू भाई ये सब खड़े रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि मुमरा का कोई वातावरण खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करने का, आप जहाँ पर आपका वर्चस्व है, जहाँ पर आपकी राजनीति करने की जमीन बनी है वहाँ पर कीजिए, ये मुमरा का माहौल खराब करने के आने के लिए कोई जरूरत नहीं आपको। राजन भाई, जिलाधिकारी कार्यालय से खासकर जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया गया है, तो जो इतिहास आपने मुमरा का कुछ संक्षिप्त तौर पर बताया, क्या कहेंगे जिलाधिकारी साहब से, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त साहब से क्या कहेंगे? अभी क्या है कि उन्होंने सब ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब का भी प्रशासन है, तो प्रशासन का काम है कि उसको उसकी छानबीन की जाए, तो इसमें कोई अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं कि कोई यहाँ पर आके कुछ यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी कर सकेगा। मैं समझता हूँ, मैंने सुबह में सीनियर साहब से मुलाकात की थी, सीनियर साहब को मैंने पूरा ब्यौरा दिया था कि यहाँ पर जितने हमारे दरगाह है यहाँ पर सभी के भावनाओं का प्रश्न है, और यहाँ पर कुछ ऐसा ये नहीं है, आप ये बहुत सारी पुरानी दरगाहें हैं, तो आप इसमें कुछ भी रहेगा तो आप अगर किसी हमारे जो पुराने लोग हैं अगर आपको कुछ ऐसा लगेगा, आपको कुछ मालूम लगेगी, तो आप हमारे पुराने लोग भी है और हम भी आपको पूरी मालूम देंगे इसके बारे में। मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव द्वारा बाईपास की दरगाहों का जो मुद्दा उठाया गया है, तो इसमें हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुमरा तलाटी ऑफिस के सामने, लगभग दो घंटे से यहाँ सैकड़ों की भीड़ जमा है, तो यहाँ आए हैं मोतीराम भगत। मोतीराम भगत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मोतीराम भगत नाना दादा भगत परिवार से संबंध रखते हैं, इस शहर में गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े पहले रक्षक, पहले उसके पुरस्कर्ता स्वर्गीय नाना दादा भगत, उनके ये पोते हैं, ये विष्णु भगत जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं उनके बेटे हैं, और बता दूं कि ये खानदानी वो लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब एक तरफ और दूसरी तरफ आई मुमरा देवी या माँ मुमरा देवी मंदिर जो पहाड़ पर बना हुआ है उसके ये पीढ़ीजात यानी परंपरागत ट्रस्टी हैं, इनके अपने चाचा जो है वो वहाँ मुख्य पुजारी भी रह चुके हैं रामचंद्र जी भगत। तो मोतीराम जी से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, बाईपास पर जो दरगाहों का खास करके मामला है,
सबसे ऊपर पहाड़ पर पहलवान शाह दूल्हा भाव की दरगाह, उसके बाद जो है जंगी शाह भाव की दरगाह, अब्दुल रहमान शाह भाव की दरगाह, उसके बाद रईस शाह भाव की दरगाह, और एक तरफ खड़ी मशीन पर फकीर शाह भाव रहमतुल्ला अलैह की दरगाह। तो पूरा इतिहास, ये पैदा यहाँ हुए, इनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, ब्रिटिश के जमाने का इतिहास इन्हें पता है। मोतीराम भाई क्या कहेंगे इस विवाद पर जो मनसे ने अब मुमरा का माहौल खराब करने के लिए शुरू किया है? पहली बात तो है कौन मुमरा का हो जी? मेरा कहना मुमरा का है कौन, मुमरा के हम लोग रहवासी, हम लोग का मिलन, हमारा मिलन एक साथ है, हम लोग एक साथ खाते हैं, रोजा हम लोग एक साथ में रखते हैं, सब कुछ। तुम बाहर का आके हमारे आपस में क्यों लड़ा रहे? हम लोग का एक ही मिजाज है कि हम लोग सब मिलन संगत रहते यहाँ पे। ये मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तुम आके खाली भड़काने का, तुम्हारा क्या इधर इतिहास? तुम बताओ मुमरा का क्या है तुम्हारा? तुम थाना में मुमरा में आके दिखाओ, इधर आओ, तुमको इतिहास मालूम पड़ जाएगा। पर ये चीज़ है कि हम लोग सब दरगाह मस्जिद और ये सब हम लोग मंदिर का है, ये सब हम लोग एक दूसरे के मिलन सलन है। हम लोग घर तक जाते खाना खाते, तुमको तो मालूम है, तुम घर में बैठे खाली कमीशन खाते रहेंगे तो उसका मतलब नहीं है। तुम आके मुमरा में देखो पहले। मोदी भाई, ये जो दरगाहों के बारे में उन्होंने कहा है, कुछ पत्रे के शेड बेड बने होंगे, उस पर किसी का कुछ कहना नहीं है, ठीक है, जो बाद में बने 2-5-10 साल के अंदर, लेकिन ये ब्रिटिश कालीन पीढ़ी से, मेरे नाना दादा टाइम से, मेरे दादा के टाइम से सब ये दरगाह, ये दरगाह और मंदिर जो जुड़े हैं, जैसे मुंगा देवी हो, शंकर मंदिर हो, अपने कौसा की दरगाह हो, दरगाह हो, ऊपर के पहाड़ की दरगाह, अपनी खड़ी मशीन, खड़ी मशीन, ये मेरे ऊपर पहलवान शाह दूल्हा, मेरे चाचा अब्बा इन लोग सब दरगाह पे सोते थे, ट्रस्टी भी थे। हाँ, तो वो वहाँ पे जाके खाना भी था, एक साथ ही खाते थे, सोते भी थे वहाँ पे, रात भर सब बैठक होती थी, दुआ होती थी। मोतीराम भाई, आप तो जैसे कि भी कांग्रेस पार्टी से भी संबंधित है, प्रशासन में, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ राजनीति नहीं छोड़ रहा, मैं राजनीति या पार्टी नहीं छोड़ रहा, आपको अनुभव है प्रशासन का, मेरा कहने का मतलब ये, तो जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी कार्यालय में, वन विभाग में, ये सारी दरगाहें जो मंदिर है पुराने, इन सबकी एंट्रीज होगी, है ना, वो भी ब्रिटिश कालीन पहले होगी, तो आज अचानक सर्कल ऑफिसर जो है किसके दिशा निर्देश पर या जिलाधिकारी के आदेश होंगे सीधे पहुंचते, ट्रस्टियों से क्यों नहीं संपर्क किया जाता है, आप जैसे पुराने लोगों से क्यों नहीं संपर्क किया जाता है? इसके लिए तो मैं आया सर के बोले ट्रस्ट से मिलते हैं, हाँ, तो ये है ही, ये तहसीलदार ऑफिस जाके बैठ गए हैं, यहाँ घंटों लोगों को खड़ा कर दिया इन्होंने, काले नाम के ये सर्कल ऑफिसर है, वली भाई थे, कयूम भाई थे, कई सारे लोग थे, लेकिन बोले नीचे चलिए, नीचे हम आपको आदेश की प्रति दिखाते, हम भी उनसे मशवरा लेंगे ना भाई, ये काई की वजह से कर रहे हैं आप जी, किसका आदेश, आदेश किसका है, हमको पूछो, हमको बताओ तो सही, क्या है, क्या मामला है, और मुमरा का इतिहास तो तुमको मालूम है, हम लोग एक साथ में रहते हैं, हाँ, आजू में रहिए, पार्टी का बात ये हमारा घर का बात है, ये हम लोग का मुमरा का इतिहास का बात है, हम लोग एक साथ मिलन चलन है, जो तालाटी का काम करने का जो तरीका है वो बताना उसका मकसद था, क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हैं तो आपको उसकी ज्यादा जानकारी है, इस बारे में पार्टी का नाम खाली बोला गया, तो मगर ये है, ये तालाटी जो ऑफिसर है इसके पास सारे पुरावे होने के बाद मुमरा का माहौल खराब करने के लिए ऊपर क्यों गया? इसके लिए हम लोग आए हैं कि मतलब तहसीलदार से मिलेंगे कि हमको राय मांगता है कि आपको क्या पुरावे, आप बोल रहे हैं कि क्या आप किस बिना पर राय लेने गए, डायरेक्ट कैसे गए आप, ये मशवरा तो करो, मशवरा करके बाद में तुम उसके बाद क्या करो, मतलब मशवरा तो करो, तुम बिना मशवरा करके डायरेक्ट तुम किधर भी जाएगा ऐसा थोड़ी चला, और बोलने वाला वो रहता थाना में, इधर कौन है? पहली बात तो ये चीज, हम लोग मुमरा के एक ही आवाम है, हम लोग एक साथ मिलन सलन है, बाहर का कोई हम लोग का इंटरफेयर नहीं करे, हम लोग बाहर का कोई आएगा तो हम लोग सब एक हो जाएंगे मुमरा के। सिंधे सर से अभी हम लोगों ने मुलाकात की, हमने उनको पूरी डिटेल बताई कि इस तरीके से जुम्मा की नमाज चालू थी और ऊपर मोहम्मदिया मस्जिद में यानी सर्कल ऑफिसर आ गए और माहौल एक बिगड़ सकता था, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया, फिर हमने ये भी बताया कि जिस तरीके का अभिनव जादू छुटकर ऊपर आए दोपहर के वक्त और छुट के चले गए, अगर वो यहाँ लोगों से मिल लेते या लोगों का सामना हो जाता तो शायद आज बहुत कुछ बिगड़ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लोगों का दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है कल के उनके बयान के बाद से, तो उसको यहाँ आने से रोके, ऐसे शख्स का कोई मुमरा से लेना देना नहीं है, मुमरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, जैसे अभी हमारे मोतीराम भाई ने बताया कि अभी दो दिन पहले यहाँ गुड़ी पाड़वा हुआ, आपने देखा होगा उस रैली में हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाई थे, हमारा हड़ताल
जो भी जुलूस निकलता है, जैसे मिलाद नबी हो या कोई भी बड़ा जुलूस हो, उसमें हमारे हिंदू भाई शिरकत करते। तो हम ये शहर की एक तहजीब है कि मिलजुल के हम लोग यहाँ रहते, ये थाना में रहता और हमारे मुमरा के लिए बयान दे, इसका मुमरा से कोई लेना देना नहीं। अरे तू थाना में जो तेरे राबोड़ी में जो हमारे भाई का हादसा हुआ, तू उनको पहले इंसाफ दिला और फिर मुमरा की बात कर, तू वहाँ पर उनको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता और यहाँ मुमरा की बात कर रहा है। तेरी पार्टी के बंदे को, जमील भाई को किस तरीके से मारा गया, तू उसमें कुछ नहीं कर पा रहा और तू मुमरा के लिए बात कर रहा है। तो हम बोलना चाहेंगे, हमने पुलिस वालों से कहा है कि उसका यहाँ आने पे रोक लगाए, नहीं तो शहर का माहौल ख़राब होगा, उसका जिम्मेदार वही होगा।